नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एसपी गेमिंग में। तो आज हम आपके लेकर आ चुके हैं न्यू वीडियो। दोस्तों फ्री फायर ऐसी बहुत सारी गलतियां करता रहता है, जिसके कारण फ्री फायर को बहुत ही हेट मिलता है। तो आज की वीडियो आपको टॉप 5 ऐसे फ्री फायर की मतलब बिगेस्ट मिस्टेक दिखाने वाले हैं, जिसके कारण फ्री फायर को बहुत ज़्यादा हेट मिला। और आपको एक टाइम पे फ्री फायर ने मतलब इस्लामिक धर्म को भी बहुत ज़्यादा मतलब हेट किया था, मतलब ऐसा कांड किया था हमारे गेम में। जितने भी इस्लामिक जो मुस्लिम भाई लोग थे वो फ्री फायर को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। तो फ्री फायर की कौन सी गलती थी, आज की वीडियो आपको सारे मतलब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ ही फ्री फायर के टॉप 5 बिगेस्ट मिस्टेक दिखाने वाले हैं। अगर आप एक फ्री फायर लवर हो तो वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग। वीडियो कौन तक जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिस ऑल पर सेलेक्ट कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, बेल नोटिस ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पर लाते रहते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? फ्री फायर मिस्टेक नंबर 5 है। और दोस्तों नंबर 5 पे जो फ्री फायर की सबसे बड़ी मिस्टेक आती है वो आती है फ्री फायर के मतलब प्ले स्टोर पे। जो फ्री फायर का जो 4th एनिवर्सरी आया था उस टाइम पे फ्री फायर ने प्ले स्टोर पे 4th एनिवर्सरी था, 4 मतलब यही गायब कर दिया, 4 एनिवर्सरी लिख दिया था, जो बैकग्राउंड देख सकते हो। और फ्री फायर की मिस्टेक थी, लेकिन फ्री फायर इसे सुधारा नहीं। पता नहीं फ्री फायर को पता था कि ये चीज़ पता थी, उसने ये मिस्टेक की है, जो ए स्पेलिंग होता है वो हटा दिया। लेकिन जब तक हमारे गेम में एनिवर्सरी 4th एनिवर्सरी चला उस टाइम तक फ्री फायर ने इसको मतलब सुधारा नहीं। और फ्री फायर ने इसे क्यों नहीं सुधारा ये तो मतलब फ्री फायर ही जाने, गरीना ही जाने। लेकिन एक फ्री फायर की बहुत ही मिस्टेक थी और बहुत कम बंदे इसको नोटिस किए थे। तो आप लोग मेरे को कमेंट से जरूर बताना कि इस चीज़ को आप नोटिस किए थे या नहीं किए थे। मतलब फ्री फायर गरीना इतनी बड़ी कंपनी हो कि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करती है तो मतलब भाई एक समझ में नहीं आता क्या करना चाहती है। पैसा बर्बाद पहन चोर। तो आप लोग वैसे इसको पता होगी आपको क्यों किया था, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। फ्री फायर मिस्टेक नंबर 4। और दोस्तों नंबर 4 पे आती है फ्री फायर की एक लाइट पास की मिस्टेक। इस लाइट पास में जो सर्फ बोर्ड है इस पे एक इस्लामिक जो था मतलब मुस्लिम लोग हैं उन्हीं के टाइम पे उन्होंने एक सैम्बल इसके सर्फ बोर्ड पे डाल दिया था। और बात ये थी कि सर्फ बोर्ड पे डाला था, सर्फ बोर्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पैरों के नीचे रखने के लिए। इसी कारण फ्री फायर को बहुत ज़्यादा ही हेट मिला था, बहुत सारे बंदे रिपोर्ट किए थे। इसके बाद फ्री फायर ने इसको तो सुधार दिया था, लेकिन एक टाइम हमारे गेम में इस्लामिक जो धर्म है इसको फ्री फायर ने रोस्ट कर दिया था बोल सकते हो। और मतलब फ्री फायर की बहुत ही गलती है। फ्री फायर एक बैटल गेम है और इसमें मतलब कोई भी रिलीजन से लेकर धर्म से लेकर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्री फायर ने पता नहीं क्या सोच के इसको पैरों के नीचे ला दिया था, जिसके बाद फ्री फायर ने अपनी गलती मानी थी। बट लेकिन कुछ महीनों बाद जब रिपोर्ट आया तो उसको फ्री फायर ने सुधार दिया था उसी टाइम पे, मतलब 10-15 दिन सुधार दिया था। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट्स जरूर बताइए फ्री फायर की इस गलती के बारे में पहले से मालूम थी नहीं, मतलब मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। फ्री फायर मिस्टेक नंबर 3। और दोस्तों नंबर 3 पे फ्री फायर की गलती आती है वह है मास्टर रैंक। आप लोग बताओ कि पहले के टाइम पे जब हीरोइक था तो उस टाइम हीरोइक करना बहुत ज़्यादा पुश हुआ करता, मतलब बहुत ज़्यादा हीरोइक पुश करना बहुत ज़्यादा हार्ड था। और अभी के टाइम पे हीरोइक कोई बंदा पुश कर लेता है, लेकिन जब से हमारे गेम में मास्टर आया है मतलब हीरोइक वाले बंदे की मतलब इज्जत खत्म हो गई है। पहले के टाइम पे कोई बंदा हीरोइक पे रहता था तो मतलब उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, लेकिन अभी टाइम पे कोई बंदा हीरोइक पहुंच जा रहा है और जो मास्टर आया हीरोइक के बाद पुश करने पे मतलब मास्टर चले जाते हैं बंदे। लेकिन पहले के टाइम पे हीरोइक पे 1-2 स्टार लगाना बहुत बड़ी बात हो रही थी। और फ्री फायर चाहता है कि मतलब क्लास स्क्वाड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अभी के टाइम पे, लेकिन जो मज़ा रैंक मैच खेलने में है वो मज़ा क्लास स्क्वाड खेलने में नहीं है। आप लोग अगर मानते हो फ्री फायर के इस फैक्ट को तो आप मेरे कमेंट्स जरूर बोल दीजिए, जो मज़ा रैंक मैच खेलने में क्लास स्क्वाड खेलने में नहीं है। और इसी को सोचते हमारे गेम में जो रैंक में जो मास्टर आया था ये मतलब फ्री फायर की बड़ी मतलब मिस्टेक सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि इसको पुश करना मतलब जब आप मास्टर गेम में लाए हो हीरोइक से बढ़ के लाए हो तो गेम प्ले को भी हार्ड करना चाहिए। लेकिन इसका गेम प्ले आगे चल के धीरे धीरे मतलब समाप्त हो रहा है, मतलब रैंक मैच को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा फ्री फायर। और फ्री फायर आगे चल के बहुत अभी के टाइम पर तो ठीक है, लेकिन आगे के टाइम पर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी गलती कर रहा है फ्री फायर। इससे मतलब फ्री फायर का जो ऑडियंस है मतलब रैंक पुश करना ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो बंदे जो हीरोइक 1-2 स्टार में जो मजा आता था वो मतलब रैंक जो मास्टर मैच इसमें नहीं आता है। और आप लिटरली सभी लोग रैंक पुश करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो मज़ा हीरोइक को स्टार लगाने में था वो मज़ा मास्टर रैंक में नहीं आता। तो एक फ्री फायर की गलती ही है, गलती ही मानेंगे। तो आप लोग मेरे कमेंट्स जरूर बोल दीजिए कि आपको मास्टर जाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि हीरोइक मतलब जो स्टार लगता था वो जाने में ज़्यादा मज़ा आता था, आप लोग मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। फ्री फायर मिस्टेक नंबर 2। और दोस्तों नंबर 2 पे फ्री फायर की मिस्टेक आती है वह है क्रैपलैंड कस्टम को लेकर। हमारे गेम में एक न्यू कस्टम आया था जो कि था क्रैपलैंड कस्टम, लेकिन क्रैपलैंड कस्टम की सबसे बड़ी मतलब गलती ये है कि ये हमारा मतलब पर डे मतलब हर एक वीक फ्री में नहीं मिलता है, और जो नॉर्मल कस्टम है येलो कस्टम है हर एक वीक हमको फ्री में देखने को मिलता है गिल से, लेकिन इसको मतलब क्रैपलैंड कस्टम को डायमंड से परचेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे बंदे इसको करते ही नहीं है। और इसमें हर एक मतलब एक तो एडवांटेज है कि आप अपने मतलब अपने अनुसार मैप बना सकते हो,
लेकिन हर एक राउंड में आपका सेम मैप आएगा, जिससे मतलब इरिटेशन फील होती है। मतलब हर एक राउंड में एक ही मैप आए तो थोड़ा इरिटेट बंदे हो जाते हैं, जिससे कारण इस मतलब कस्टम को उतना ज़्यादा मतलब बहुत ही हेट उतना ज़्यादा हेट भी नहीं मिला था। लेकिन क्रैफ्टन कस्टम आप लोग भी नहीं खेलते होंगे, आप लोग पढ़ा होगा तो लोग नहीं खेलते हो, बहुत ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जितना इंपॉर्टेंस लोग अभी के टाइम पे कस्टम को देते हैं येलो कस्टम को, उतना ज़्यादा क्रैफ्टन कस्टम को नहीं देते हैं। और फ्री फायर में ये जो क्रैफ्टन कस्टम था यही सोच के आया था कि इसको ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन ये हमें यहाँ पे उल्टे हो गए। फ्री फायर को एल लगे, यहाँ पे फ्री फायर को मतलब कोई भी बंदा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है अभी के टाइम पे। तो फ्री फायर की गलती थी हमारे गेम में लाना। तो आप लोग मेरे कमेंट से जरूर बोल दीजिए कि आपको क्या लगता है, जो क्रैफ्टन कस्टम है ये फ्री फायर को लाना चाहिए था लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, आप लोग मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। तो दोस्तों फ्री फायर की जो नंबर वन पे गलती आती है, उस गलती के बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट डायरेक्ट पहुँच जाए। दोस्तों फ्री फायर की जो नंबर वन पर गलती आती है वो आती है मतलब फ्री फायर कोलैबोरेशन को लेके। आप लोग सोचो कोलैबोरेशन फ्री फायर गलती कैसे होगी, लेकिन आप लोग सोचो फ्री फायर का जो पहला कोलैबोरेशन था आलोक के साथ था, उस कोलैबोरेशन में फ्री फायर को बहुत ज़्यादा मतलब फ्री फायर की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फायदा फ्री फायर को आलोक के साथ हुआ था। लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग देखोगे तो फ्री फायर की मतलब कोई भी कोलैबोरेशन कर रहा है, मतलब कोलैबोरेशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, हर एक महीने कोई ना कोई कोलैबोरेशन हो जा रहा है। और मतलब फ्री फायर के जो ऑडियंस है उनके मन में मतलब एक मतलब कोलैबोरेशन का जो सिस्टम होता है मतलब एक लो हो चुका है, लोग उतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कोलैबोरेशन में, क्योंकि वे फ्री फायर के लिए नॉर्मल बात हो गया है। और ये मतलब फ्री फायर की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आने वाले टाइम में और मान लो कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी भी मतलब कोलैब करे फ्री फायर के साथ तो उतने ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब नहीं रह पाएगा फ्री फायर के ऑडियंस में, क्योंकि इतने ज़्यादा ही कोलैबोरेशन बढ़ गए हैं फ्री फायर में कि मतलब फ्री फायर ये गलती ही मतलब गलती ही कर रहा है अभी के टाइम में। फ्री फायर गलती कर रहा है इसीलिए बहुत सारे कोलैबोरेशन के साथ फ्री फायर का फ्लॉप हो गया, मतलब फ्री फायर उतना ज़्यादा नहीं अर्न किया है जितना मतलब सोचता था। बहुत सारे कोलैबोरेशन फ्री फायर के फ्लॉप हो गए हैं, जैसे भेनम के साथ, मनी हिस्ट के साथ, जो भी कोलैबोरेशन था ये फ्री फायर उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाया। तो फ्री फायर की कोलैबोरेशन गलती है, इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशन भी नहीं करनी चाहिए कि मतलब फ्री फायर ऑडियंस या ऑडियंस ही बोर हो जाए। जो कोलैबोरेशन है फ्री फायर के सामने बहुत बड़ी गलती निकल के सामने आ रही है। क्या आपको इस गलती के बारे में पहले से पता थी, मेरे कमेंट्स में जरूर बोल दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं पे द एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पे लाते रहते हैं। Peace.